जो लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो उनके साथ कौन कौन सी शक्तियां हैं जो जागृत होकर के उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं और शिव भक्त का जीवन उद्देश्य सफल हो जाता है। हमेशा उन शक्तियों का शिव भक्त को सहयोग मिलता है। किसी भी प्रकार का संकट आने से पहले ही वह शक्तियां इस संकट को निरस्त कर देती हैं। बताने से पहले निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान शिव संसार के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सिर्फ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। इनसे सरल पूजा अन्य किसी की नहीं हो सकती और कृपा भी इनसे ज्यादा करने वाला दूसरा कोई देव भी नहीं है। इनकी पूजा संपूर्ण संसार करता है। संपूर्ण संसार से हमारा आशय है कि देवी देवता भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, दानव दैत्य भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, भूत प्रेत पिशाच भी भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव की कृपा सबके ऊपर समान रूप से बरसती है। भगवान शिव शमशानवासी निम्न कोट के भूत प्रेतों के ऊपर भी कृपा करते हैं और स्वर्ग निवासी देवताओं के ऊपर भी कृपा करते हैं। मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्यों के ऊपर भी कृपा करते हैं और पाताल में रहने वाले नाग यक्ष किन्नर गंधर्व इन सबके ऊपर भी कृपा करते हैं। इतने दयालु इतने अद्भुत धानी देवता का सानिध्य प्राप्त करने के बाद में भी हम उनकी कृपा से वंचित रह जाएं, तो यह हमारे मंद भाग्य की बात है। और जो जितने भी भगवान शिव की उपासना करते हैं यह सब भगवान के गण कहे गए हैं। तो जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इन सभी गणों का सहयोग और संरक्षण शिव भक्त को अनायास ही प्राप्त होता है। सबसे पहले जो कृपा प्राप्त होती है वह भगवान शिव की स्वयं की कृपा है। उनकी कृपा से हमारा शोक रोग मोह आसक्ति यह सब धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है। भगवान शिव की पूजा करने से उन पर जल चढ़ाने से नित्य पूजन करने से कुबेर की कृपा भी हमको अनायास प्राप्त होने लगती है जो कि धन के अध्यक्ष हैं। भगवान शिव हमें अज्ञान अभाव और अशक्तता से दूर रखते हुए आत्म लाभ देते हैं, मुक्ति का आनंद भी देते हैं। यह भगवान शिव की स्वयं की कृपा है। और जो गण हैं, वे भगवान शिव की आज्ञा में बंधे हुए हैं। उन गणों में सबसे प्रमुख स्थान काल भैरव का है। काल भैरव के हाथ में तलवार झंडा और त्रिशूल है। काल भैरव की शक्ति के बारे में माना जाता है कि इनके अंदर ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेवों की शक्ति समाई हुई है और काल भैरव स्वयं भगवान शिव का अवतार है। जब कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है तो सर्वप्रथम उसे संरक्षण काल भैरव का प्राप्त होता है जिससे काल भी स्वयं डरता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो काल भैरव की कृपा अनायास प्राप्त होती है। हर समय हर क्षण वह सीधे काल भैरव के संरक्षण में रहता है। पहला स्थान है उनका, दूसरा स्थान नंदी का है और तीसरा स्थान वीरभद्र का है। इन सभी गुणों की कृपा साधक को प्राप्त होती है। तीसरी कृपा भगवान श्री राम की प्राप्त होती है। ध्यान देना, तीसरी कृपा भगवान श्री राम की प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहा है, भगवान राम से मिलना है और शिव से द्रोह करके यदि कोई मिलना चाहे भगवान राम की कभी प्राप्ति नहीं होगी। जब हम भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और अगर हम यह कहें श्री राम जय राम जय जय राम कहते हुए एक लोटा जल चढ़ा दें, इससे भगवान शिव और भगवान श्री राम दोनों ही प्रसन्न होते हैं। दोनों की प्रसन्नता मिलती है क्योंकि दोनों एक ही हैं। कैसे? भगवान राम के इष्ट शिव और शिव के इष्ट भगवान राम। अब किसी एक से तो बैर करके क्या दूसरे की कृपा मिल जाएगी? आप एक ही करिए, दूसरे की कृपा अनायास हमको मिल जाएगी। आप भगवान शिव की पूजा करते हैं
भगवान शिव का आराधन करते हैं, भगवान राम की कृपा आपको अनायास प्राप्त हो जाएगी। और रामेश्वरम में भगवान राम ने भगवान शिव की स्थापना की थी और पूजन भी किया। जब हमें भगवान राम की कृपा प्राप्त हो गई, तो फिर अगली कृपा आप जानते हैं किसकी प्राप्त होगी? जहां भगवान राम है वहां राम भक्त हनुमान है, और राम भक्त हनुमान जहां है वहां संकट नहीं है, हर प्रकार का संकट खत्म। तो शिव भक्त की रखवाली श्री हनुमान सदैव करते हैं। वो तो यहां तक कहते हैं, मत कहिए उनसे, मुझसे कहिए, सांसारिक समस्याएं हैं ना आपकी, मैं दूर करूंगा। मेरे इष्ट राम से मत कहिए, भगवान शिव से मत कहिए, मुझसे कहिए, क्योंकि हनुमान जी जो हैं, भगवान शिव का ही तो अवतार है, शंकर सोमन उन्हीं का अवतार है, तो हमें हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। जब हमको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई, उनके प्रमुख गण सहित सभी गणों की कृपा प्राप्त हुई, भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त हुई, श्री हनुमान की कृपा प्राप्त हुई, एक कृपा पांचवी और बचती है। विचार करो, वो कौन सी हो सकती है? वो कृपा है जगत जननी आज शक्ति भगवती की। आप किसी भी रूप की पूजा करते हो, देवी के किसी रूप की भी साधना करते हो, यदि आप भगवान शिव की साधना करते हैं तो देवी की कृपा अनायास प्राप्त हो जाएगी। और जहां देवी की कृपा प्राप्त होती है तो साधक अतुल शक्ति संपन्न बन जाता है, क्योंकि शिव और शक्ति अलग नहीं, एक ही है। और जिसका उन्होंने प्रमाण अर्धनारीश्वर के रूप में दिया है, आधे भाग में शक्ति आधे भाग में स्वयं, तो किसकी किसकी कृपा प्राप्त हुई? शक्ति की कृपा भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शक्ति स्वयं उन्हें अपना पति मानती है। और कोई पति की सेवा करे तो पत्नी नाराज हो जाएगी, क्या पत्नी का सहयोग उसे नहीं मिलेगा? पूरा मिलेगा, क्योंकि पतिव्रता में श्रमण है पार्वती जी, तो हमें माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। आप जिस रूप से चाहते हैं, भ्रम की कोई बात नहीं। आप माता काली की पूजा करते हैं, आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं, आप किसी रूप की पूजा करते हैं, सभी रूप अंततः एक ही रूप से निकले हुए हैं। शक्ति से तो शिव और शक्ति एक ही है। तो इस तरीके से एक शिव भक्त को इन पांचों की कृपा प्राप्त होती है, पांचों की शक्ति का सहयोग मिलता है, पांचों के सेवकों का सहयोग मिलता है, और स्वयं उनका भी मिलता है। तो शिव भक्त साधक कितना भाग्यशाली है, वो व्यक्ति कितना भाग्यशाली है जो भगवान शिव को एक लोटा जल शिवालय में जाकर के चढ़ा देता है, उसका आत्म कल्याण होने में देर नहीं होती। क्यों? क्योंकि सत्य की प्राप्ति ही तो मनुष्य का जीवन का कर्तव्य है। मानव जीवन का उद्देश्य सत्य की प्राप्ति है, और शिव स्वयं ही सत्य है, शिव स्वयं ही सत्य है, और उनकी हम कर रहे हैं। जितनी भी नकारात्मक शक्तियां, जितनी भी हमारी सांसारिक परेशानियां, जितनी भी हमारी मनोकामनाएं कितनी भी हो, एक कृपा कटाक्ष से समाप्त हो जाएंगी। बस दृढ़ श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ भगवान शिव के पूजन में लगे रहिए। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ यदि आपके कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और कमेंट में ओम नमः शिवाय भी लिखें।